कल 500 प्रदूषण था। समस्या इतनी गंभीर है कि लोग सांस ले तो मरे, सांस ना ले तो मरे। ये मास्क बांटने से हो सकता है कि सब अवेयर हो। भी जो आदमी नहीं सिगरेट पी रहा वो भी 40 सिगरेट रोज के पी रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण की जो मात्रा है बेहद खराब स्थिति में है और एक्यूआई लेवल 500 के पार पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें कि जब सत्तारूढ़ पार्टी आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में घिसती है तो वहीं कहीं फिर इसके बाद जो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि जनता को बचाया जाए और उसकी चपेट में आने से, प्रदूषण की चपेट में आने से बचाया जाए। तो आप देखिए कि मोतीनगर का ये इलाका है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा यहाँ पर मास्क को बांटा जा रहा है ताकि जनता को जिस तरह से प्रदूषण की समस्या हो रही है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। तो करोल बाग से जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, लगातार दिल्ली में जो प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? कल 500 प्रदूषण था और कल जब मैं रात को समाचार देख रहा था तो आज तक मैं सुधीर चौधरी बोल रहे थे कि जो आदमी नहीं सिगरेट पीता इस दिल्ली में, सवेरे 9-12 टाइम्स और पंजाब के केसरी में भी था भाई, जो आदमी नहीं सिगरेट पी रहा वो भी 40 सिगरेट रोज के पी रहा है। ये इतनी निकम्मी सरकार है, 10 साल हो गए आज तक इसको। बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण खत्म हो गया, ये पंजाब में भाषण देने गया है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। आतिशी जी हैं, इन्होंने तो केजरीवाल का भी झूठ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये हमारी जिले की उपाध्यक्ष हैं कवलिंग सचदेवा जी, ये देखो 149 वाला जिसकी प्राइस है, कोई 2-3-4 रुपये वाला मास्क नहीं बांट रही। N95 और गरीब आदमियों को और आम लोगों को इस प्रदूषण से बचाने के लिए इन्होंने एक सेवा का बीड़ा उठाया है और ये रोज कहीं ना कहीं पूरी अपनी विधानसभा में मार्च बांट रही हैं। आम आदमी पार्टी के जो पर्यावरण मंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण भारतीय जनता पार्टी की वजह से बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रदूषण पंजाब से आ रहा है, पंजाब में पराली जला रहे हैं और बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार पहले केजरीवाल की थी, अब आतिशी की है ना। पिछले 11 साल से झाड़ू की सरकार है और प्रदूषण बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है सिवाय झूठ 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 और झूठ। तो देखिए, हमारे साथ उपाध्यक्ष कवलीन सचदेवा जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या लग रहा है कि आप जिस तरह से मास्क बांट रहे हैं कितना कुछ असर करेगा दिल्ली वासियों पर? देखिए, अपनी तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जनसेवा का भाव रखती है, इसीलिए ही जो भी जन कल्याण के लिए होता है वो हमेशा से करते आए हैं। और ये मास्क बांटने से हो सकता है कि सब अवेयर हो इस चीज़ से और एक कदम चाहे छोटा सा ही सही जन कल्याण की ओर। जब प्रदूषण बढ़ता है तो स्मोक टावर की बात सामने आती है। दिल्ली सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च करके वो स्मोक टावर बनाए थे लेकिन अब उसमें ताला लटका हुआ है, क्या कहेंगे इस पे आप? दिल्ली सरकार ने तो जनता के ही लाखों करोड़ों रुपए ना जाने किस किस और जगह पे भी लगाए हुए हैं, वहाँ पे ताला लगा हुआ है और वो दिल्ली के किसी काम का नहीं है। हमारा टैक्स का पैसा ये सिर्फ शीश महल पे लगाते हैं और हमारे लिए, दिल्ली की जनता के लिए 0% कुछ भी काम नहीं होता है। आप देखो, ये पॉल्यूशन भी पंजाब से आ रहा है। कल में 1251 मामले आए हैं पराली के, पंजाब से ही। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है। अब ये और किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे? इनको सिर्फ इल्ज़ाम लगाना आता है कि हरियाणा से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, जबकि ये खुद सिर्फ आरोप पर आरोप और कुछ नहीं करती हमारे लिए। एक सवाल ये भी रहेगा कि विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग इलाकों में जाकर के इस तरह से मास्क को बांट रही है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव करीब है, यही कहीं स्ट्रैटेजी तो नहीं है बीजेपी की इस तरह से? देखिए, चुनाव तो अब आ रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लॉकडाउन में भी घर से बाहर निकले हुए थे, अपनी जान की परवाह किए बिना, ऑक्सीजन सिलेंडर हो चाहे कोई भी, किसी को राशन हो, घर से खाना बना कर भी पहुंचा रहे थे। तो ये इल्ज़ाम तो सरासर बेकार है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी सर्वोपर सबसे आगे रहती है जन सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही मिलकर के यहाँ के इलाके के लोगों को मास्क दिया जा रहा है क्योंकि प्रदूषण से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। आपके पास आएंगे और क्या कहना चाहेंगे सर, लगातार प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, लोगों को आमतौर पर समस्याएँ हो रही हैं? समस्या इतनी गंभीर है कि लोग सांस लें तो मरें, सांस ना लें तो मरें, और जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं वो बेचारे घर से निकल नहीं पा रहे हैं और डॉक्टर की भी गाइडलाइन है कि 60 साल के ऊपर के लोग घरों से ना निकलें, मगर जो बेचारा खुद कमाने वाला होगा वो क्या करेगा, मरता क्या ना करता। केजरीवाल ने ऐसी दुविधा में डाल दिया दिल्ली वालों को कि बेचारे सांस लेते भी मर रहे हैं और सांस छोड़ते भी मर रहे हैं और इतनी बुरी हालात दिल्ली में कभी देखे नहीं, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो बहुत बुरे हालात हैं, केजरीवाल को लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। तो
देखिए जो ये जो लोग हैं ये मास्क बांट रहे हैं और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को इस प्रदूषण की जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली का इक्वल लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की समस्याएं बढ़ रही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इलाकों जगह जगह पर जाकर के इलाकों में अपने अपने इलाकों में मास्क को बांटा जा रहा है ताकि जो दिल्ली की जनता है उनको कहीं ना कहीं प्रदूषण की चपेट में ना आकर के और तमाम तरह की बीमारी है उससे जाके बचा जा सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।